ये करवा चौथ कल ही बना के आ गया, गर्लफ्रेंड इतना तो बॉयफ्रेंड से बनाने में क्या है, चांद देखना उसी को देख। मुझे क्यों तोड़ा? काम का तू जल्दी से नीचे आ। ठीक है ठीक है, तू आए फिर उसके बाद तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है करवा चौथ स्पेशल। तो आपने टाइटल में देख लिया होगा कि क्या कैसा होने वाला है, बट फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। फिलहाल अभी कहाँ हूँ मैं अभी स्टूडियो पे हूँ। मैं दीदी के यहाँ था सुबह तक, तो अभी मैं शाम को यहाँ पे आया। एंड एलिस अपने घर पे आया, सो वो निकल सकती नहीं है, क्या बोल के निकलेगी, फास्ट की भी है तो वो आ नहीं सकती, बट मैं जा सकता हूँ। तो मैं सोचा कि मैं आता हूँ यहाँ पे एंड उसके पास जाता हूँ उसे मिलने के लिए, लेकिन मिलना ही बहुत मुश्किल है बिकॉज कैसे वो नीचे उतरे, कहाँ आएगी, कहाँ मिलेंगे, कुछ पता नहीं है। वो ऑन द वे मैं सोचते हुए जाऊँगा एंड कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा उसे मिलने का। एंड उसके लिए उसने व्रत किया है, उसने भी, तो उसके लिए कुछ लेके भी जाना होगा। एंड उसके लिए मैंने एक तो गिफ्ट मंगा के रखा है, तो शायद उसको पसंद आया। देखो गिफ्ट के लिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है कि क्या गिफ्ट दूँ क्या गिफ्ट दूँ उसको ना। जैसे ड्रेसेस होते तो मैं सोचता हूँ कि मंगा कर उसे गिफ्ट दूँ, बट उसको ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो खुद जाए और शॉपिंग करे, उसको ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं उसके लिए ड्रेस वेस तो नहीं लेके आया, बट उसके लिए मैं एक मस्त सा गिफ्ट लेके आया। मैं आपको दिखाता हूँ क्या गिफ्ट है एंड फिर बुड्ढी से बात करते हैं एंड उसको जाते हैं सरप्राइज़ देते हैं। उसको नहीं पता कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो मैं आऊँगा उसे मिलने उलने के लिए, तो जाके सरप्राइज़ देते हैं। तो मैं आपको पहले गिफ्ट दिखाता हूँ कैसा गिफ्ट है। तो गाइस गिफ्ट ये है, ये प्यारे से बॉक्स के अंदर। आप में से बहुत लोग कमेंट करोगे कितनी रिंग दोगे, पहले भी दे चुके हो, बट मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है उसके लिए। ये बहुत काफ़ी स्पेशल डिज़ाइन वाला, मतलब ना जो इसका डिज़ाइन देखो बना था वो पता चलेगा कि क्यों इतना अच्छा लगा मुझे एंड मैं क्यों ये गिफ्ट दे रहा हूँ। क्योंकि यार अभी मतलब एक अच्छा सा करने के लिए, एक शादी वादी हो जाए तो उसके बाद करने में अलग अलग फीलिंग रहेगी, वो सब फीलिंग मैं अभी यूज़ कर लूँ तो फिर वो समय के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए अभी फ्रेंडशिप टाइप का आइटम है एंड ये काफ़ी प्यारा है। देखो पहले बॉक्स भी एंड ये टेन है, तो ये देखो। एंड ये लाइट शायद इसमें फोटो आपको अच्छे से दिख नहीं रही होगी, इसे क्लोज करता हूँ। मेरे को दिख जा दिख जा दिख जा दिख जा दिख जा, हाँ ठीक है। तो ये फोटो है एंड तो ये नॉर्मल सा फोटो है, इसको मैंने खुद कट करके लगाया है इसके अंदर। एंड ये जो रिंग है ना, वो रिंग देखो, ये फोकस क्यों नहीं ले रहा रिंग पे। मैं आपको बैक कैमरा से इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिर फोल्ड करो कैमरा में, जल्दी फोकस करो। होने लगा। तो गाइस आपने देख लिया रिंग कैसा है, तो बस ये है उसके लिए तो गिफ्ट। एंड ये एक हार्ट है जो लॉक हो गया है उसका, प्यार लॉक, तो इसको ले जाएंगे उसको गिफ्ट देंगे। एंड मेरे साथ में जो जाने वाला है शूट करने के लिए कैमरामैन, वो है ये लड़का। ये करवा चौथ कल ही बना के आ गया, गर्लफ्रेंड नहीं थी ना, तो बॉयफ्रेंड से बनाने में क्या है, चांद देखना उसी को देख। मुझे क्यों तोड़ा? शर्मा गई का गाइस, चलो चलते हैं एंड मिलते हैं एंड सोचते हैं कैसे उसको बाहर बुलाना है, क्या करना है, कैसे करना है और क्या होता है आगे। तो गाइस मैं जैसे ही नीचे से घर पहुंचा उतने में बुड्ढी का वीडियो कॉल आ गया एंड उसने बोला मुझे कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, दो मिनट बस रुक, फिर उसके बाद मैं तेरे को वीडियो कॉल करती हूँ। मैं फिर मैंने पूछा कि तू कहाँ पे है, तो इसने फिर मेरे को बताया ही नहीं। मैंने बोला कि मैं तू पूजा कर ले फिर तो बताता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, तो जल्दी 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 पूजा कर और फिर मेरे को वीडियो कॉल करना। मैंने बोला ओके ओके। फाइनली मैं आ चुका हूँ बुड्ढी घर के नीचे, यहाँ पे खड़ा हूँ गली में। उसको नहीं पता है वो पूजा कर रही है, बोली पूजा का कॉल करती हूँ, जब वो पूजा का कॉल करके तब उसको नीचे बुलाएंगे। एंड मैं उसके लिए लेके आया, पता है क्या क्या, एक सामान ले, ये और ये दिखा चुके हैं। हाँ ये मैं एक पानी बॉटल एंड एक चॉकलेट है, चॉकलेट है तो हाँ एक मेरे पॉकेट में चॉकलेट है, तो वो तो मैं मिठाई लाने का सोचा, फिर मैं बोला नहीं चॉकलेट ले जाते ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो तो जैसे सब पूजा हो जाता है फिर मैं उसको नीचे बुलाऊँगा एंड फिर अगर वो आ पाई तो फिर ठीक है, नहीं तो आई तो कट जाएगा मेरा, देखो आगे क्या होता है। तो पूजा होते ही बुड्ढी ने वीडियो कॉल किया एंड उसने मुझे दिखाया चांद एंड बोला कि मेरा पूजा हो गया एंड मुझे चांद दिख चुका है, दोनों दोनों चांद। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है पूजा हो गया, तो एक काम का तो जल्दी से नीचे आ जाए अपने बिल्डिंग के, एकदम दौड़ के भाग के जल्दी जल्दी। मैंने बोला नीचे नीचे क्यों, मैंने बोला आ ना भाई तू नीचे जल्दी जल्दी, पूछा मत कर ज्यादा क्वेश्चन। मैंने बोला ठीक है तू आए, फिर उसके बाद तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, रुक तो दो मिनट रुक मैं फटाक से आती हूँ। तूने कुछ है मिठाई लाने वाला था, चॉकलेट ज्यादा अच्छा रहा है।
है ना। नहीं नहीं सॉस नहीं, जरूरत नहीं तेरे को। इतने साल बाद नहीं, लास्ट टाइम तो थे ना सर, स्टेशन लास्ट टाइम था ना जो पिज़्ज़ा लास्ट था दिल्ली। चलता हूँ मैं, ठीक है जा तू घर जा। ये पापा बोलेंगे बच्चे ले, ले जा इसको बोलना खाई पी के नीचे से प्लीज लेके जा। चॉकलेट अभी लेके नहीं जा सकता, ये पकड़ सो पकड़। मुझे तो गिफ्ट नहीं मांगे यार, तू ही है मेरे लिए गिफ्ट, मेरे को और क्या गिफ्ट चाहिए। तब ठीक है मैं किसी और दे दूंगा। ठीक ठीक लाया तो दे, वैसे तो है मेरा गिफ्ट। सोच बुद्धि से क्या हो सकता है। नहीं ये जो भी है बहुत प्यार है, फोटो भी है। ये मैं अपने आप तक सरप्राइज किया, ये रिंग देखी ये हार्ड बना मैंने ब्लॉक किया, मेरी फिंगर अभी इसको बाद में रखते हाथ का पकड़ा है मेरा, देख लिया इस रिंग के लिए बनाया था क्या। ये भी नहीं ले जा सकते हैं, ये तो लेके ये हम ले, मैं उसको वापस छोड़ देना चाहता हूँ। ठीक है बाय, जाके खाना खा भर पे भर तो लगा होगा मोटी होगी। चल चल बाय बाय, तू भी जाके खा लेना प्लीज। क्या खाएगा प्लीज? जाऊंगा चाउमिन वाउमिन जो मिलेगा खाऊंगा। ठीक है और दो सरप्राइज है घर पे स्टूडियो पे, तो तू आई कल दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम आई नहीं पाए ना। ठीक है ओके बाय बाय। लाइक तो गाइस ये व्लॉगिंग प्लान करते हैं, भागते हैं यहाँ पे, कोई आ गया ना बस। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एंड गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन होने वाले हैं एंड लव स्टोरी वीडियो आने वाली है। एंड यहाँ पे बुढ़ी ने अपना भी खाना दिखा रही थी यार कि मैं देख खाना खा रही हूँ, तू क्यों नहीं खा रहा, तू भी खाना खा। फिर मैं उसको बोला कि मैं और सूजा सी बचे स्टूडियो में, तो कौन बनाएगा खाना अभी, इसलिए हमने कुछ ऑर्डर किया है, वो आएगा तो हम खा लेंगे। तो बस गाइस एंड आप लोग कैसा गया आज का डे अपने पार्टनर के साथ में, मुझे ज़रूर बताना आपका क्या मोमेंट अच्छा रहा या फिर कुछ भी, शेयर जरूर करना कमेंट में ताकि मैं उसको पढ़ूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।